लकड़ी काट रहे हैं, चल के बात करनी चाहिए। बस कट गई। अजी मैंने कहा ओ लकड़हारे, अजी सुनते हो, अजी जरा नीचे देखो, अजी इधर नहीं सामने। अच्छा, अरे क्या। मैंने कहा जय प्रणाम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आइए, आप कौन हो और इस जंगल बियाबान में आप इस समय क्या कर रहे हो? मैं, ओ भाई, भाई अपनी चाची से ढूंढती आई से। ओ चाची, सुरेंद्र देख लेगा, हाथ मत पकड़ा। कोई बात नहीं, तो सुरेंद्र मेरा भी तो कुछ लगता होगा भाई। दोनों मारी कोई नहीं बने, सुरेंद्र की यार हरी चुन्नी वाली भी वीरबानी बने, तू भी बना, कोई माई बन जाओ मारी तो। अच्छा सुनो, देखो आप मेरे साथ में आए हो। मैं तेरे साथ में आया हूँ। मेरी जोड़ी का वर है ना, मुझे ये पसंद आया है। आप जाओ इसे अभी इसी वक्त मेरे पास बुला कर लेकर आओ। कह देना कि आपको हमारी बहन सावित्री ने याद किया है। बाण कुर मैं बुला के लाऊं? अच्छी आफत मुगेर। देखिए जाना ही पड़ेगा, अगर तुम ही नहीं जाओगे तो फिर मेरा काम कौन करेगा बताओ? मैं तो कुंवारी रह जाऊंगी। जीजी तेरा ब्याह करनो से। देखिए या तो इससे करवा दो, नहीं देखो वो देख रहा ना। हाँ जीजी एक साथ करवा ले तो फायदा भेजेगा। क्या होगा भाई? नंबर एक तो बुढ़ापा की पेंशन ले रहे हो से। अच्छा। 2023 में भगवान ने ठाले को जो तने चूड़िया की मिलबा लग जाएगी। के बोल रहा से भाई, सुबह सुबह बोला कर, अपना फायदा हो जाएगो भाई। हाँ एक काम करना। हाँ और काम तो मेरा ना हो या नहीं हो, पर आपने इसने गोद ले ली भाई। गोद? हाँ इसका भी काम बन जाएगा बेचारे की। सेवा करूंगी, अच्छी अच्छी बढ़िया रोटी पुआ के खुआऊंगी ना, और फिर तो कुछ तो कालो है और बुरो कर दूंगी रगड़ा मार मार। बावड़ी है की सेवा खातर तो बिहारे नहीं नाट की तेरे तो खाद के से। के भाई इसी के बात से क्या क्या गुण से प्यारा नाट का तू रह बा दे, मैं एक नहीं जाऊं सु जाना पड़ेगा। जा भाई बुला के लेके आ। और ऐसे नहीं तो लटक से झटक से। अच्छा जाना कह जी, सुनते हो मनाणो से जोबन लगा सुरेंद्र जी का ब्याह से मनाणो से। ए जी सो मत ना, ले ले भाई चलो जाऊं मैं उतराई। और रिश्तेदार राम राम साडू हाथ मिला। साडू ये कौन रिश्तेदार? अरे रिश्तेदार सा यार सुरेंद्र जी का है सर लगन में। अच्छा और भाई ठीक सा यार जिम में आए टमाटर सब है। अच्छा आज शादी? हाँ ओए हाँ बताओ कैसे आने वक्त। हाँ यार भाई तेरे के नाम से? अच्छा के नाम से? पहले तो आप बताओ आप कौन हो? मैं ना कोई जान ना कोई पहचान, मैं तेरा मेहमान। मैं सावित्री का रथवान हूँ। अच्छा सावित्री ये कौन है ये जो अभी आवाज लगा रही थी? हाँ अच्छा अच्छा आप, ये आपको उन्होंने अभी इस वक्त इसी टाइम अभी याद किया है। अच्छा हाँ जी देखो मेरे पास समय नहीं है क्योंकि आज पहले ही मैं काफी लेट हो चुका हूँ। ये बात है। हाँ अगर आपको काम है तो आप मेरे पास आओ, मैं नहीं जाऊँगा। ये बात है। काम आपको है ना जी, तो आपको आना पड़ेगा, मेरा काम कोई नहीं है भाई। बहन जी राम राम। राम राम की बात भाई। वो कोवन कैसे मैं को चालू ना खाज बे तो हाथ खाज खना। अच्छा हाँ के बात कामयाब नहीं से की बीमारी से उसके पैर ना कह कामयाब से कोने लकड़ी लुकड़ी काटने हालो से। ओ भाई अब तो अपना पास में डॉक्टर भी आ रहा से। डॉक्टर? डॉक्टर साहब इसके एक सुई लगा दो कामयाब हो जाए। डॉक्टर कराना सुई लगाए के इलाज आप ही बात कर लो। बहन जी आइए कैसे क्या बार बार वार्तालाप करते हैं गुरुजी। आइएगा एक महाभारती किस्से से एक बहुत ही सुंदर रागनी। अजी मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार पेड़ से नीचे आइए, मुझे आपसे दो बात करनी है। देखिए राजकुमारी आपकी बोल चाल और आपके पहरान से पता चलता है आप कोई राजकुमारी हो, और अगर आपको कुछ मेरे से काम है आपको कुछ कहना है हाँ हाँ तो आप वहीं से कह दीजिए, मैं नीचे नहीं उतर सकता। देखिए आप पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हो और मैं नीचे खड़ी हूँ, भला इतनी दूर से आपसे क्या बात करूंगी? आप जो भी बात करनी है आप वहीं से कीजिए क्योंकि मेरे पास समय नहीं है थोड़ा। अच्छा हाँ जी कहते हैं कि
इश्क के मरीजों को नींद कहाँ आती है? अच्छा, इश्क के मरीजों को नींद कहाँ आती है? यों ही करवटे बदलते बदलते रात गुजर जाती है। अच्छा, हे राजकुमारी, हाँ हा। बताते हैं महजब पे सोने वाले, हाँ हा। करवट का बदलना क्या जाने जी? अरे महजब पे सोने वाले करवट का बदलना क्या जाने? क्या जाने? क्या जाने वो क्या जाने, किसी का दुख दर्द वो क्या जाने जी? अरे महजब पे सोने वाले करवट का बदलना क्या जाने। अच्छा हाँ राजकुमारी, तो एक फिल्म आई थी क्या मिलन, उसमें गाना था कौन सा सुनिए। हाँ सुनाओ। और सावन का महीना देखिए, आप लोगों से सभी से निवेदन है, जो आज ये कलाकार है वास्तव में इनके नाम की धूम मच रही है, राजेश तूफान, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके नाम की, जोरदार ताली। क्या बात है, ये तो रंग होगा बिल्कुल। और इस रंग में मैं बात करना चाहूंगी, वो सावित्री अपने जोड़ी के वर के लायक क्या कह रही थी, और लकड़ी काटने वाले जियो वो करो हमसे मुला का समय है। हाँ, हाँ,
आपको पता होना चाहिए क्या इंसान को अपने गुजारे के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है जी। और मैं अपने गुजारे के लिए इस जंगल बियाबान में लकड़ी काटता हूँ और दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करता हूँ। अच्छा? मेरे साथ में शादी करवा के तू दुख पाएगी। जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा? लेकिन मैं शादी करूंगी तो आप ही के साथ करूंगी। अच्छा हाँ हाँ तो मेरी बात सुन लो। कहिए हेरे गुजारे मुझे खुद आज्ञा दी है। अच्छा? कि मैं मेरी जोड़ी का घर खुद तलाश करूं। अच्छा हाँ हाँ आपके पिताजी क्या किया है? हाँ जी हाँ ये बात है। हाँ तो सुनो मेरी बात। कहिए हिरे वन में फिरे क्यों एकली